बढ़िया है ना। हिंदी में आज हम इकाई 11 सच्चा बालक का अभ्यास करेंगे, जिसे हम नाट्य स्वरूप में भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाटक में हम क्या देखने वाले हैं। एक समय की बात है जब एक बड़ा सा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला का मतलब है बहुत सारे इंसान इकट्ठे होकर एक साथ में जा रहे थे। तब अचानक से बहुत सारे डाकुओं ने उन लोगों पर हमला कर दिया। उस वक्त उसमें 9 साल का एक छोटा सा बालक भी था। वह बालक एक कोने में खड़ा रहकर ये सब डाकुओं की लूटमार को देख रहा था। अचानक से एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ जाती है और वह उसके पास जाकर एकदम कड़क से उसे पूछता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि उसमें उन लोगों का क्या संवाद होता है। वह डाकू लड़के के पास जाता है और बोलता है, लड़के तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 अस्त्र रुपया है। क्या कहा, तेरे पास 40 अस्त्र रुपया है? जी हाँ। यह लड़का अपने पास 40 अस्त्र रुपया बताता है। ओके। तेरी अस्त्र रुपया कहाँ पे है? लड़के, इस प्रकार अश्रफिया रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे इसको पता ना चले। तो तूने अश्रफिया का पता हमें क्यों बताया? मैं झूठ कैसे बोलता? ओके। मेरी माँ ने सदैव सच बोलने के लिए कहा था, झूठ बोलना पाप है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि इस संकट में भी वो झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। देखा बच्चों, कैसे छोटा सा बच्चा सच बोलता है। सच बोलने वाले इस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बच्चा महान संत बनता है। इनकी समाधि अभी भी बगदाद में है और वहाँ प्रत्येक वर्ष लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस नाटक से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें सदैव ही सच बोलना चाहिए। अगर वह लड़का उन डाकुओं से झूठ बोलता और कहता कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वह डाकू भड़क कर उसके पास का सारा सामान, सारी अश्रफिया लूट लेते। पर उन छोटे से बच्चे ने सच बोला, इसलिए वह डाकू और सरदार का हृदय परिवर्तन हो गया और वह सब सच्चाई के मार्ग पर चल गए। इसी प्रकार हमें अगर कितना भी संकट हो, कितनी भी मुश्किलें हो, पर अगर इंसान सच का साथ नहीं छोड़ता है, तो बाद में वह महान इंसान या महान संत भी बनता है। तो आप भी, आपके जीवन में कितना भी संकट आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा सत्य ही बोलना और सत्य का ही साथ देना, और आपके दोस्तों, आपके परिवार वालों सबको भी सच बोलने के लिए समझाना। चलिए, अब हमने इकाई को समझ तो लिया, अब हम इकाई का वाचन करेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का,
मेरे पास 40 अशरफिया है, डाकू चकित होकर, क्या कहा, तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो बच्चों, हमेशा ही सच बोलना और दूसरे को भी सच बोलने के लिए सिखाना। अगले वीडियो में हम इस इकाई के सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।